हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। इस वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एक गवर्नमेंट कंपनी वह पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है जिनकी कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर पार्शियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और पार्शियली एक या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड और इस्टेब्लिश होती हैं और इन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को ही फॉलो करना होता है। यानी ये कंपनीज अपने सभी बिजनेस ऑपरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही करती हैं। इन कंपनीज को प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है और इन कंपनीज का एक मोटिव यह होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को एक अच्छा कंपटीशन दे सके। एक गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट कंपनीज की मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होती है और इन कंपनीज के मैनेजमेंट पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसी वजह से इन कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनीज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल्स की तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सभी गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के मीनिंग के बाद अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स की। फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनीज का फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर होता है। ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनीज के कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर पार्शियली सेंट्रल और पार्शियली एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। नेक्स्ट फीचर है मैनेजमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और इन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज्यादातर मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फाइनेंसिंग। इन कंपनीज के 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है, इसीलिए इन कंपनीज की ज्यादातर फाइनेंसिंग गवर्नमेंट के द्वारा होती है। इसके अलावा इन कंपनीज के पास प्राइवेट शेयर होल्डर्स से भी फंड रेज करने का ऑप्शन होता है, प्लस ये कंपनीज कैपिटल मार्केट से भी फंड रेज कर सकती हैं। नेक्स्ट फीचर है रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करती हैं जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज के वो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश होती हैं, इसीलिए यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसकी वजह से ये कंपनीज अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, किसी दूसरे पर्सन पर कोर्ट केस कर सकती हैं और कोई दूसरा पर्सन भी इन पर कोर्ट केस कर सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स की। इजी फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंपनीज का फॉर्मेशन इजी होता है। इन्हें कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल एक्ट या ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं होती है। ऑटोनोमी इन ऑपरेशन। यानी गवर्नमेंट कंपनीज अपने डिसीजन खुद ले सकती है और बिजनेस में होने वाली सभी एक्टिविटीज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज और कंट्रोल कर सकती है। बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर भी इन कंपनीज में शेयर्स ले सकते हैं, जिसका एडवांटेज यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के प्रोफेशनल मैनेजर गवर्नमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड हो सकते हैं और इन प्रोफेशनल मैनेजर्स की एक्सपर्टीज गवर्नमेंट कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल साबित
हो सकती है। कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट कंपनीज पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके मार्केट में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी रोकती है। गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स के बाद अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के लिमिटेशंस के बारे में। कंपनीज एक्ट डजंट हैव मच रेलिवेंस। गवर्नमेंट कंपनीज की मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज के ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिससे गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल होता है। जिसका डिसएडवांटेज यह होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से ज्यादा गवर्नमेंट की बात को फॉलो करती है, जिससे कंपनीज एक्ट का रेलिवेंस खत्म हो जाता है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, जिसके डर की वजह से इन कंपनीज के सीनियर डायरेक्टर्स रिस्की डिसीजन लेने से बचते हैं, ताकि वो पार्लियामेंट में किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से बच सकें। बट गवर्नमेंट कंपनीज के सीनियर डायरेक्टर्स का ये एटीट्यूड इन कंपनीज को ऐसे कई डिसीजन लेने से रोकता है जो कि इन कंपनीज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा स्लो ही रहती है। तो ये थे दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी के मीनिंग, फीचर, मेरिट्स और लिमिटेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।